हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे सब क्यूरी, जो कि SQL ट्यूटोरियल का एक पार्ट है। और ये जो टॉपिक है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम सिर्फ SQL चैप्टर या SQL सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो मेन तीन फंडामेंटल जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका एक आ जाता है सब क्यूरी, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका ज्वाइनिंग, और तीसरी चीज है इसमें वो है आपका ग्रुपिंग, जो हम ग्रुप फंक्शंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक जो है वो बेसिक पार्ट है। तो अब तक की वीडियोस में हमने जो बेसिक पार्ट है वेयर क्लॉज का, कुछ बेसिक फंक्शंस, ऑर्डर बाय क्लॉज, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो कुछ बेसिक चीज़ें हमने देखी हैं। और अब जो ये इस SQL सीरीज़ में जो मेन तीन फंडामेंटल चीज़ें हैं वो कवर होने वाली हैं लाइन बाय लाइन। सब क्वेरीज को पहले आज हम समझेंगे, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करेंगे, और एक दो नहीं कम से कम 8-10 क्वेश्चन हम शॉर्ट आउट करेंगे सब क्वेरी के ऊपर। उसके बाद फिर हम ज्वाइनिंग, देन ग्रुपिंग। ध्यान रही, यही तीनों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यही तीनों मेन पार्ट्स हैं और मेन कंपोनेंट्स हैं क्यूरी के, जो आपको कहीं भी काम आएंगे। अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो, वेब ट्यूटोरियल, अगर आप हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें, कोई डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की या एंड्रॉयड की, कहीं पे भी आप काम करोगे तो SQL वाला पार्ट आपका लगेगा ही लगेगा। तो ये ऐसा पार्ट है जिसको आप स्किप करके कभी भी डेवलपमेंट नहीं सीख सकते, तो इसे हमें सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक में सब क्यूरी। और देखिए, मैंने एक बगल में एग्जांपल भी लिख रखा है जो कि आपको वीडियो के थंबनेल में दिखा होगा, इसी एग्जांपल को हम शॉर्ट आउट करेंगे। बट पहले हम समझते हैं कि सब क्यूरी क्या है। देखिए, सब क्यूरी जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, मीन सब क्यूरी मतलब एक क्यूरी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा है ना स्ट्रिंग, उसके बाद हमने पढ़ा सब स्ट्रिंग, तो एक चीज़ के अंदर एक दूसरा चीज़ हो, एक स्ट्रिंग के अंदर एक और स्ट्रिंग जिसे हम सर्च करते हैं उसके अंदर का एक स्ट्रिंग, तो वो हमारा सब स्ट्रिंग कहलाता है। वैसे अगर हमारा एक क्वेरी है, इसके अंदर हमारा एक और क्यूरी होगा, उस क्वेरी के अंदर हमारा एक और क्यूरी होगा जो हमारा सब क्यूरी कहलाएगा। तो देखिए, जो अंदर में लिखा गया है ये हमारा सब क्यूरी हो गया, और ये जो बाहर हो गया इसे हम बोलेंगे आउटर क्यूरी। पर हम ऐसा करते क्यों हैं, इसको हम क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा आउटर क्यूरी और ये हमारा सब क्यूरी, ऐसा लिखते क्यों? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि काम को हम डिवाइड कर देते हैं, दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। एक हिस्से का काम हम इसको बोलते हैं कि भाई पहले आप ये चीज़ मुझे करके दो और वो रिजल्ट आप मुझे दो। सपोज़ मैंने सब क्यूरी को पहले काम, ध्यान रहे कि प्रायोरिटी अगर हम पहले बात करें तो पहले जो है वो सब क्यूरी एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होता है। ये आपको ध्यान रखनी है, पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट होगा उसके बाद आउटर क्यूरी एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसकी सिंटैक्स की बात करें तो सपोज यहाँ हमने कुछ लिखा है सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, उसके बाद एक ऑपरेटर बीच में इस्तेमाल होगा, फिर ब्रैकेट, और उसके बाद हम फिर से एक क्यूरी लिखेंगे, फिर से एक सेलेक्ट का क्यूरी होगा जो कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट पहले कौन होगा, एग्जीक्यूट होगा पहले अंदर का क्यूरी, मतलब जो सब क्यूरी पोर्शन है वो हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ये हुआ क्या, देखिए क्या हुआ, लॉजिक ये है कि पहले सब क्यूरी को हमने कुछ काम दिया कि भाई पहले आप ये काम कर लो, जो रिजल्ट आप दोगे उस रिजल्ट पे फिर मैं कुछ टास्क परफॉर्म करूँगा। हो सकता है वो रिजल्ट हम हमें जो आउट बाहर वाला जो क्यूरी है उसे जो आउटपुट परफॉर्म करना है, उसे जो उस ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो एक पर्टिकुलर आउटपुट पे परफॉर्म करना है, एक एक डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर कंडीशन का आउटपुट आए, उस आउटपुट पे फिर एक और ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम एक इनर क्यूरी चलाएंगे, वो इनर क्यूरी एक डेडिकेटेड आउटपुट रिटर्न करेगा, उस आउटपुट पे फिर आउटर क्यूरी जो है अपना कंडीशन लगा के या जो ऑपरेशन उसे परफॉर्म करना है वो करेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हुआ कि हम करते क्या है, क्योंकि इनर, देखिए आसान भाषा में समझे, इनर क्यूरी कुछ प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट जो है वो बाहर वाले को देगा। अब जो रिजल्ट बाहर आ रहा है उस रिजल्ट के हिसाब से ये ऑपरेटर तय होगा, क्योंकि अगर जो अंदर वाला क्यूरी है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक रो रिटर्न करेगा, एक रो, तो हम सिंगल ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे सिंगल रिजल्ट वाला। और अगर हमें अंदर वाला क्यूरी मल्टीपल रो रिटर्न करके देगा तो भाई यहाँ पे मल्टीपल रो ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, जो कि शायद मैंने वीडियोस में पिछले वीडियोस में बताए हैं, सिंगल रो ऑपरेटर्स और मल्टीपल रो ऑपरेटर्स।
और नहीं भी आपको पता होगा तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो इनर क्यूरी है उसने कुछ रिजल्ट, डेडिकेटेड रिजल्ट भाई आउटपुट निकाल के दिया। अब ये जो बाहर वाला हमारा क्यूरी है वो इस आउटपुट पे काम करेगा, ध्यान रहे, वो इस आउटपुट पे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से सब क्यूरी जो है काम करता है। तो सब क्यूरी डेडिकेटली जो हमारा इनर क्यूरी है उसको इनर क्यूरी भी बोल सकते हैं। तो पहले वो एग्जीक्यूट होता है, एक रिजल्ट वापस करके हमको देता है और फिर हम आउटर क्यूरी उस पर काम करता है। ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब दूसरी बात कि ज़्यादातर हम कब सब क्यूरी इस्तेमाल करेंगे और कब ज्वाइनिंग इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बना रहता है बच्चों के बीच कि क्वेश्चन देखिए हमें कैसे समझ में आएगी, क्या हमें सब क्यूरी करना है, क्या हमें ज्वाइनिंग करना है। देखिए ज्वाइनिंग से दोनों क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो सकते हैं, सब क्यू वाले भी और ज्वाइनिंग वाले भी। बट क्या है कि हम ज्वाइनिंग का इस्तेमाल हर एवरी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। जो काम सब क्यूरी से ईजिली हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा, तो वो हम ज्वाइनिंग में नहीं जाएंगे। ज्वाइनिंग का भी एक अपना एक पर्सनल रिक्वायरमेंट है कि किस क्वेश्चन पे हम ज्वाइनिंग अप्लाई करेंगे और सब क्यूरी कहाँ करेंगे पहले वो समझिए। क्वेश्चन देख के हमें कब लगेगा कि हमें सब क्यूरी इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमारे पास दो टेबल इन्होंने दे रखे हैं, यहाँ पे स्कीमा रिप्रेजेंटेशन है टेबल का, जहाँ पे टेबल नहीं बनाया सिर्फ स्कीमा दे रखा है इन्होंने। तो बट हमने टेबल बना रखा है, अभी जब हम इसका एसक्यूएल क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे ये टेबल हमने कहाँ बनाया। तो पहला टेबल है एम्प्लॉय, जहाँ पे बेसिकली ये ई नेम है, ई आईडी जो इसका प्राइमरी की है, दो एड्रेस है, सिटी और स्टेट है। दूसरा टेबल वर्क है, जहाँ पे ई आईडी जो है सब फॉरेन की बन के इस्तेमाल हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये यहाँ फॉरेन की है। होपफुली आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का आइडिया होगा, और नहीं होगा तो हम अपने डिवीजंस प्लेलिस्ट में उसको कवर करेंगे। तो प्राइमरी की बेसिकली वो की होते हैं जो हमारे टेबल में यूनिक होते हैं, एंटायर वैल्यू उनका यूनिक होता है, एक भी उसमें रिपीटेड वैल्यू नहीं होते और वो नल नहीं होता है, और उस वैल्यू के थ्रू हम टेबल के अदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फॉरेन की उसी जब किसी टेबल के प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकें, तो वो हमारा फॉरेन की कहलाता है। अब देखिए यहाँ वर्क वाले टेबल में ई आई डी एज अ फॉरेन की इस्तेमाल हो रहा है, खुद का इन्होंने कोई प्राइमरी की नहीं रखा है, बट हम एक प्राइमरी की डब्ल्यू आई डी या आई डी के नाम से डाल सकते हैं। उसके बाद ब्रांच दे रखा है, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट डेट, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाएंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा और आप समझ भी जाओगे, तो क्या है कि फिर आपको बिल्कुल क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि हमें कब इस्तेमाल करना है, जब आप देखो कि जो आप क्वेश्चन में जब आपको डिस्प्ले करना है, दो इस क्वेश्चन को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा क्या बोल रहा है, फाइंड द नेम, जैसे पकड़ते हैं फाइंड ऑल द नेम ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। पहला हिस्सा ये है, ये उसने बोला कि सिंपली डिस्प्ले करो भाई नेम ऑफ एम्प्लॉयज को डिस्प्ले। अगर मैं सिर्फ इतना हिस्सा की बात करूँ, जितना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ इसकी बात करूं कि सिर्फ इम्प्लॉई को डिस्प्ले करने बोल रहा है, तो देखिए कि आपका काम सिर्फ इस टेबल से हो जाएगा, आपका काम इम्प्लॉई टेबल के इस हिस्से को डिस्प्ले करने से हो जाएगा। भाई सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लॉई या सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम इम्प्लॉई, आपका काम हो गया। बट इतना नहीं है, इसने और भी बात बोल रखी। अब क्या बोला इसने, अब दूसरे को हम सेलेक्ट करते हैं ऑरेंज से, हु वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ब्रांच। अब देखिए डिपार्टमेंट और ब्रांच ये उस टेबल में है नहीं, ये तो भैया इस टेबल में है, डिपार्टमेंट नेम में है आपका, डिपार्टमेंट मीन्स वहाँ पे फिनांस हो गया, और ब्रांच दिल्ली ब्रांच, तो ये जो कंडीशन है वो दोनों इसमें है। अब डिस्प्ले हमें करना है ई नेम जो कि दूसरे टेबल में है, और जो कंडीशन इसने बता रखा है वो दूसरे टेबल में है, तो ऑब्वियसली इन दो टेबल के बीच ज़रूर कोई ना कोई रिलेशन होगा, जिस रिलेशन के थ्रू हम इस ब्रांच इस कंडीशन को ट्रू करेंगे तब जाके उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अब आपको खोजना है कि भाई ये तो पता चल गया कि जो डिस्प्ले करना है वो ऊपर वाले टेबल में है और जो कंडीशन है वो नीचे वाले टेबल में है। ये हमें बोला है कि डिस्प्ले करवाइए, कंडीशन दूसरे टेबल में, डिस्प्ले दूसरे टेबल में, ठीक है। तो अब आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि आप रिलेशन देखिए कि इन दोनों टेबल के बीच रिलेशन कौन से टेबल से है। ओके, ई आई डी से हमारा रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देख लिया हमने, डन। अब देखिए क्या करेंगे, जिसको आपको डिस्प्ले करना है वो आपके आउटर क्यूरी में रहेगा, ध्यान है, जिसको हमें डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले किसको करना है, ई नेम से, ई नेम को डिस्प्ले करना है इम्प्लॉई से। तो देखिए हम क्यूरी लिखते हैं, बाद में से हम रद्द करके भी दिखाएंगे, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ई नेम, ओके, कहाँ से भाई, इम्प्लॉई से, फ्रॉम इम्प्लॉई, ठीक, ध्यान दोबारा रखिए, जिसको डिस्प्ले करना है उसको हम बाहर में रखेंगे आउटर क्यूरी में, और जो कंडीशन है,
कंडीशन वाले को सॉल्व हम इनर क्यूरी से करेंगे। तो पहले जो जो डिस्प्ले करना उसको बाहर रख दिया, सेलेक्ट इनेम फ्रॉम एम्प्लॉई। अब देखना है कि बाहर वाला जो आउटर वाला टेबल है वो कंडीशन वाले टेबल से किस कॉलम से जुड़ा हुआ है, जिस फील्ड को हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो वाला टेबल और जिस जिस टेबल में कंडीशन है वो दोनों टेबल किस कॉलम से जुड़े हुए हैं, ई आई डी से। ओके, तो यहाँ देखिए अब मैं क्या करता हूँ, वेयर ई आई डी इन, बस वेयर इसको मैं नीचे लिखता हूँ, वेयर ई आई डी इन। अब यहाँ आ गए हम, तो क्या बोल दिया भैया मैंने, सेलेक्ट वेयर। अब ये इनर क्यूरी का काम है कि ये कंडीशन को ट्रू करके इस ई आई डी इसको रिटर्न करेगा। यहाँ पे हम कंडीशन को मैच करवाएंगे, ट्रू करवाएंगे इस टेबल में, और अगर हमारा कंडीशन मैच करता है तो ये किसको रिटर्न करेगा, ये इस ई आई डी को रिटर्न करेगा, सारे ई आई डी को रिटर्न कर देगा आउटर क्यूरी को। अब देखिए इनर क्यूरी को अब आप समझिए, इसको नीचे लिख देते हैं। अब इनर क्यूरी को हम कैसे लिखेंगे, जो दूसरा कंडीशन वाला है उसे हम नीचे लेके जाते हैं, और देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, सेलेक्ट ई आई डी फ्रॉम वर्क्स वेयर, क्या है भाई हमारा कंडीशन क्या है, वेयर डिपार्ट फिनांस डिपार्टमेंट, हु वर्क्स इन फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ब्रांच, मतलब डिपार्टमेंट क्या है, फिनांस है, मीन्स डी ई पी टी नेम, डी ई पी टी नेम इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आपका, फिनांस। दो कंडीशन दे रखे उसने, एंड हु वर्क्स इन फिनांस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ब्रांच, अब ब्रांच भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो दूसरा भैया कंडीशन क्या है, ब्रांच, सो एंड ब्रांच इज इक्वल टू दिल्ली। अब देखिए तो यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट बना अपना किस तरह से काम हो रहा है देखते जाते, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका, चलिए गुड। तो अब जैसा मैंने बताया कि पहले एग्जीक्यूट कम करता है, पहले सब क्यूरी एग्जीक्यूट करता है। देखिए कंडीशन तो जब हम कोड लिखेंगे तो भाई क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैंने क्या बताया कि क्वेश्चन में देखिए कि डिस्प्ले किसको करना है, डिस्प्ले जिसको करना है वो बाहर वाले क्यूरी पे रहेगा। इन्होंने बोल रखा है डिस्प्ले फाइंड ऑल नेम ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है एम्प्लॉई वाले टेबल से इतना ही रिश्ता है, या मैं सिर्फ और सिर्फ नेम एम्प्लॉई जो नेम है वो डिस्प्ले करना है। तो देखिए मैंने बाहर क्या लिखा, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई। अब जो कंडीशन दूसरे टेबल में, तो ये देखना है कि जो बाहर वाला टेबल है आउटर टेबल, आउटर वाला क्यूरी जिस टेबल से हम फेच कर रहे हैं वो उस वाले टेबल से कैसे जुड़ा है जिस टेबल में कंडीशन है, तो वो ई आई डी से जुड़ा है। तो अब मैंने लिख दिया वेयर ई आई डी इन। अब फिर अंदर वाले टेबल में सेलेक्ट ई आई डी, उन सारी ई आई डी को डिस्प्ले करवाओ भाई, जो डिपार्टमेंट जिनका फिनांस में और जिनका ब्रांच जो है दिल्ली में है। तो ये जो इनर वाले क्यूरी हैं ये क्या करेंगे पता है, ये वो सारे ई आई डी रिटर्न कर देंगे जिनका ब्रांच और डिपार्टमेंट भाई ये है, फिनांस और दिल्ली ब्रांच है। अब ये सारे ई आई डी रिटर्न हो गए, अब वो वही सारे ई आई डी वालों का जो ई आई डी रिटर्न हुआ है वो ई आई डी इस वाले टेबल में मैच किया जाएगा। कंडीशन वाले टेबल से जो ई आई डी रिटर्न होके बाहर वाले को मिला है वो इन सारे ई आई डी को देखेगा और जो ई आई डी मैच हुआ है। अब देखिए बाहर वाला टेबल का काम ये कंडीशन फंडीशन चेक करना नहीं, बाहर वाला बोला कि भैया तुम हमको ई आई डी दे दो, मैं उस ई आई डी के नेम को डिस्प्ले करवा दूंगा। अब अंदर वाला क्यूरी का काम है कि जिसका जिन बंदों का भाई फिनांस और दिल्ली ब्रांच है उसका सिर्फ ई आई डी निकालो, नेम वेम डिस्प्ले नहीं करना, सिर्फ ई आई डी निकाल के वो अपने बाहर वाले अपने ऊपर वाले क्यूरी को ई आई डी रिटर्न कर देगा। और बाहर वाला क्या बोल रहा है कि भाई तुम ई आई डी दो, मैं सिर्फ उसका नाम देख दूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि ई आई डी किसका है, दिल्ली वालों का है कि फिनांस वालों का, ये बोल रहा है सिर्फ मुझे ई आई डी रिटर्न कीजिए, मैं उनका नाम डिस्प्ले करवाऊंगा। और अंदर वाला क्या कर रहा है, जो दिल्ली और फिनांस वाले हैं उनका सिर्फ ई आई डी दे रहा हूँ, उनको नाम पाम से मतलब नहीं, सिर्फ बस ई आई डी दे दो। तो इस तरह से काम क्या हुआ आपका, डिवाइड हो गया, पार्ट हो गया, है ना। तो दो अलग अलग क्यूरीज, इनर क्यूरी अलग काम कर रहा है और अपने रिजल्ट को अपने पेरेंट को दे दे रहा, उसका पेरेंट उस पे काम कर रहा है, उस रिजल्ट पे काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल हायरार्किकल ऑर्डर में है, जैसा आपके रियल लाइफ में होता है आप देखते हैं। अगर हम टीचर और स्टूडेंट की बात करें या आपके बॉस या आपकी बात करें, आप कुछ काम करके अपने रिजल्ट को अपने बॉस को दे दो, वो आपका जो बॉस आपके रिजल्टेंट वर्क पे कुछ और काम कर देता है। तो इस तरह से जो है काम हायरार्किकल वर्क में होती है, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, तो कोई बहुत बड़ी टफ चीज़ नहीं, बहुत आसान था होपफुली मुझे आप। अच्छा यहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे देखिए मैंने जो ऑपरेटर लगाया ये मल्टी रो ऑपरेटर है। इन का मतलब देखिए, जब भी आपका इनर क्यू, जब भी आपको सस्पेक्शन हो कि जो मेरा इनर क्यूरी है वो मल्टीपल रो रिटर्न कर सकता है,
मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है, तो उस केस में हमेशा इन ऑपरेटर लगाइए। वो केस हो सिंगल हो या मल्टीपल हो, आप इन ऑपरेटर लगाइए, क्योंकि ये दोनों को डील कर सकता है। अगर आप इक्वल टू लगाते हैं तो एकदम ध्यान रखिएगा कि इनर क्यूरी एकदम सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अगर वो मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर देता है किसी केस में तो वो क्यूरी एरर खा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप ऑलवेज इन ऑपरेटर इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये मल्टीपल रो जो अगर रिटर्न आते हैं उन सबको हैंडल कर लेगा। तो होपफुली ये आपको समझ में आया, पहला क्वेरी हमने देखा। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अब जी दिन मैंने जो लॉजिक आपको समझाया है कि पहले हमें ये देखना है कि हमें डिस्प्ले क्या करना है, उस टेबल से डिस्प्ले फील्ड उठा लेना है, फिर कंडीशन कौन से वाले टेबल में है, उन दोनों टेबल के बीच रिलेशन क्या, उस रिलेशन को पकड़ते हुए फिर हमें बाहर वाले को डिस्प्ले करना है। सेकंड क्वेश्चन डील करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड डिपार्टमेंट हेड फॉर द एम्प्लॉई इफ़ ई नेम एंड ई आई डी आर गिवन। मतलब अगर ई आई डी ई नेम अगर गिवन है, ब्लैंक नहीं है, तो उनका आप क्या दिखाइए भाई, डिपार्टमेंट हेड दिखाइए। अगर ई नेम ई आई डी अगर गिवन है, मतलब हो सकता है किसी का ई नेम या ई आई डी ना दिया हो, तो अगर ई नेम ई आई डी है तो उनका क्या दिखाइए, डिपार्टमेंट हेड दिखाइए। अब देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया चीज़, उल्टा क्या हो गया कि बोल रहा भाई डिस्प्ले कहाँ से करना है, डिपार्टमेंट हेड दो एम्प्लॉई, ये हो गया देखिए आपका डिस्प्ले वाला काम। कंडीशन कहाँ है, नीचे वाले में कंडीशन की ई नेम एंड ई आई डी आर गिवन। अब देखिए वही चीज़ उल्ट पलट गया, तो अब हमें डिस्प्ले कौन सा करना है, डिपार्टमेंट हेड को, मतलब वर्क से। तो सेलेक्ट क्या लिखेंगे हम, डी ई पी टी हेड, डी ई पी टी हेड कहाँ से भाई, फ्रॉम वर्क्स, किससे जुड़ा हुआ है, फिर देखिए वही चीज़ इस बार इधर से उधर जाएंगे, वर्क्स वेयर ई आई डी इन। अब फिर जाते हैं भाई उधर को पकड़ते हैं, फिर वो क्या करेगा ई आई डी को रिटर्न करवा देगा। तो सेलेक्ट ई आई डी, सेलेक्ट ई आई डी, इसको नीचे लिख देते हैं, ई आई डी फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ई नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, एंड अब ये दोनों को हम एक साथ रख देते हैं भैया, एंड ई आई डी नॉट इक्वल टू ब्लैंक, खत्म। या नॉट इक्वल टू आप नल भी कर सकते हो, उससे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ ब्लैंक का तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, देन नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि अगर गिवन नहीं है तो दिस मस्ट बी नल। तो ई नेम जिनका नल नहीं है, जिनका ई आई डी नल नहीं है, वैसे ई आई डी उसको वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब इसने बाहर, अच्छा यहाँ पे एक और क्यूरी लगेगा, एक और ब्रैकेट लगेगा, इस वाले का कलर हम रिटर्न करते हैं। अब ये क्या किया, उन सारे ई आई डी इसको दे दिया, अब वो ई आई डी को पकड़ के डिपार्टमेंट हेड वाले ने क्या किया, उन सारे डिपार्टमेंट हेड को दिखा दिया जिनका ई आई डी भाई अंदर से इनर वाले क्यूरी से रिटर्न आ रहा है। अब बाहर वाले को मतलब नहीं है कि ई आई डी कौन से बेसिस पे रिटर्न होके आया है, उसको मतलब सिर्फ जो ई आई डी आया भाई उसका डिपार्टमेंट हेड को डिस्प्ले करवा दो। अंदर वाले को मतलब नहीं है कि ई आई डी से आगे क्या होने वाला है, उनका काम है बस उन सारी ई आई डी को रिटर्न करो जिनका ई नेम और ई आई डी गिवन है, मीन्स नल नहीं है। तो चलिए इस जो सारे कॉन्सेप्ट अभी हमने समझे, अभी मैं इसे डायरेक्ट MySQL में टेस्ट करके देखते हैं और ये क्यूरी किस तरह से आउटपुट देता है वो हम डायरेक्टली रन करके देखते हैं चीज़ों को। देखिए दो टेबल हमने बना रखे हैं, एक हमने एम्प्लॉय टेबल यहाँ बना रखा है, जैसा उस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, जो जो फील्ड है यहाँ पे मैंने उसी फील्ड का इस्तेमाल कर रखा है, ई आई डी को प्राइमरी की डाल दिया, नेम एड्रेस वन एड्स सेकेंड स्टेट, और एक टेबल बना रखा है मैंने वर्क्स, जिसमें मैंने उस ई आई डी का यहाँ इस्तेमाल किया था फॉरन की, डब्ल्यू आई डी यहाँ पे प्राइमरी की इनका बना दिया, ब्रांच है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, जैसा बिल्कुल वहाँ पे दिया हुआ उसके स्कीमा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से एसक्यूएल बन गया। वो हम एसक्यूएल अपना टेस्ट करेंगे, यहाँ पर एसक्यूएल लिख के देखेंगे यहां जो हमने एसक्यूएल लिखा है क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल देखिए जिस तरह से यहां क्वेश्चन लिखा है उस तरह से मैं चीजों को करूंगा, बट हम अपने जो हमने यहां जो आउटपुट लिखा उसे हम तोड़ के समझेंगे, ठीक है। तो पहले जैसा मैंने बताया कि हम पहले इनर क्यू देखेंगे और वो उस ईआईडी को रिटर्न कर देगा, उस ईआईडी के हिसाब से आउटर क्यूरी जो ई नेम है उसको डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए हम उल्टा लिखते हैं, पहले हम ये देख लें कि वर्क हमें क्या निकालना है, इस वर्क वाले टेबल से, कंडीशन वाला टेबल इनर क्यूरी, वर्क वाला टेबल क्या कर रहा है, इस वर्क वाले टेबल से हमें डिपार्टमेंट नेम फिनांस और डिपार्टमेंट ब्रांच दिल्ली वाला चाहिए, ई आई डी चाहिए उनका। तो पहले देखिए अब इनर वाला क्यूरी ही देखते हैं, हमें सिर्फ ई आई डी चाहिए किन का, फ्रॉम वर्क वेयर, जहाँ पे हमारा जो ब्रांच है वो होना चाहिए दिल्ली, ठीक है, और जो हमारा डिपार्टमेंट नेम है
वो होना चाहिए फिनांस। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना हम डायरेक्टली इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, स्पेस वगैरह का कोई इशू ना हो, और यहाँ से दिल्ली को कॉपी कर लेते हैं और डायरेक्टली यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि ये क्यूरी हमें क्या रिटर्न करके दे रहा है। तो देखिए, ये आपको दो EID रिटर्न करके दे दिया इस टेबल से। बस इसी दो EID का हमें इस्तेमाल करना है इस आईडी से, इस टेबल में, जो हमें उन दो टेबल का ईनेम और ईनेम हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो बस अब क्या है, देखिए जैसा मैंने बताया, अब बाहर में इसको हम कर देते हैं इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया हमारा इनर क्यूरी। बाहर वाला क्यूरी का काम क्या है भाई, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना, वेयर EID इन, बस काम खत्म। तो अब इनर क्यूरी क्या किया, इनर क्यूरी वो कंडीशन डील किया, हैंडल किया, जिस टेबल में कंडीशन है उस टेबल का कंडीशन को ट्रू करवा के, जैसा मैंने बताया था दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है EID। तो अंदर वाला टेबल उन सारे EIDs को रिटर्न कर देगा कंडीशन वाले टेबल से। ये मेरा कंडीशन है जिस टेबल में, यहाँ से उन सारे EIDs को रिटर्न करवा दिया। बाहर वाला जो क्यूरी है बस वो क्या किया, उस टेबल से जो EID आया है इस टेबल में उस EID का कंपेयरिंग करवाएगा और उस नाम को रिटर्न करवा देगा। तो अब देखिए ये क्यूरी बिल्कुल, मैं इसे रन करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट हमें क्या मिला। देखिए MD जमाल एंड सुजन हांडा, तो MD जमाल एंड सुजन हांडा का EID 1 एंड 2 है, और यहाँ पर आते हम देखते हैं 1 एंड 2 दोनों दिल्ली में और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं। तो इस तरह से ये पहला वाला जो क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो गया। सेकंड वाला क्यूरी आप देख के अब करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या वो रन हुआ या नहीं हुआ, आउटपुट आया या नहीं आया, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है इस प्रोग्राम को करने में, SQL को कोड को करने में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।